दोस्तों, ये जब सुबह होती है तो बहुत तेज़ धूप जो है वो इधर पिंजरे के अंदर आ रही होती है, तो हमारे परिंदों को बहुत तेज़ धूप लग रही होती है, तो इस वजह से जो है हम लोग ये पर्दे जो हैं ये रात के वक्त हम लोग गिरा देते हैं, ताकि जो है हमारे परिंदों के ऊपर धूप ना आए ना। तो ये धूप जो है पूरी यहाँ से आती है और पूरा इधर केजों में भी आती है, ये नीचे वाले सारे केजों में आती है, यहाँ ऊपर वाले केजों में आती है, सिर्फ ऊपर वाले केज हमारे बचते हैं, बाकी ये 6 के 6 केजों के अंदर जो है धूप आती है। टर्की बर्ड वगैरह और मोर वगैरह जो है ये खुले रहते हैं, तो इनके ऊपर भी धूप आती है, तो इस वजह से हम लोग जो है रात के वक्त ये पर्दे वगैरह ढक देते हैं ताकि इनके ऊपर धूप ना आए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, ये जो है अभी हम लोगों ने पर्दे वगैरह उठा दिए हैं, रात के वक्त हम इसको ढक देते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा धूप है, जिसकी वजह से जो है आज हमारे सारे परिंदे देखें हाँप रहे हैं। ये देखें कैसे मुंह जो है सांसें ले रहे हैं, ये देखें मोर भी ऐसे ही ले रहा है, और उसके अलावा मोरनी भी देखें, तो ये सब के सब इस तरीके से सांसें ले रहे हैं, आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये देखें मुर्गी भी किस तरीके से ले रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब सो रहा है। धूप तो अभी खैर बंद हो गई है, क्या बोलते हैं, बादल वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये क्या सांसम सांस हो रहा है क्योंकि हब बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम अपने पिंजरे को डेकोरेट करते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह करते हैं। इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हम माली के पास जाएंगे और जाके उससे बात करते हैं कि हमारे जो है पिंजरे को डेकोरेट करना है, हम लोगों ने किस तरीके से डेकोरेशन बिल्कुल सही रहेगी ना। तो इतवार वाले दिन जो है अपन लोग चलते हैं माली के पास, माली से जाके पूछते हैं कि यार यहाँ के डेकोरेशन के लिए जो है हमें जो दरख्त वगैरह लगाने हैं, पौधे वगैरह जो लगाने हैं, ताकि खुशबू भी हो और खूबसूरती भी आ जाए। ग्रीनरी तो बहुत ज़रूरी है ना, तो अभी तक हम लोगों ने ग्रीनरी की नहीं थी, हम इंतज़ार में थे जब हमारे पास थोड़े बहुत परिंदे हो जाएं तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको डेकोरेशन करेंगे। तो अब हम लोग इतवार वाले दिन जाएंगे माली के पास, जाके माली से बात करते हैं और इसकी डेकोरेशन जो है ना अपन लोग करवाते हैं इतवार वाले दिन इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने परिंदे वगैरह थोड़ी देर खोल देता हूँ और आपको जो है अपने कबूतर के बच्चे दिखाता हूँ। कबूतर के बच्चे जो माशाल्लाह थोड़े बहुत बड़े हो गए हैं वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो आ जाओ भाई बाहर आ जाओ थोड़ा सा, ताकि हमें मेरे दोस्तों को मैं कबूतर के बच्चे दिखा सकूँ, आपके बच्चे दिखा सकूँ। तो ये थोड़ा बाहर आते हैं, अभी मैंने दरवाज़ा खोला है तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू होंगे, क्योंकि डरते बहुत ज़्यादा हैं ये। टर्की बर्ड से थोड़ा बहुत डर रहे हैं ना, ये टर्की बर्ड से डर रहे हैं, मोर मोर से तो नहीं डर रहे लेकिन मोरनी से डर रहे हैं, मोरनी जो है वो मार रही है, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा बहुत डर रहे हैं। अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए बाहर, तो हम लोग अंदर केज के अंदर चलेंगे, केज के अंदर जाके देखते हैं कि हमारे कबूतर के बच्चे माशाल्लाह कितने बड़े हुए हैं, फिर हम लोग अंदर जाके देखते हैं। चलो ये पहले बाहर आ जाएं। जो है हमारे फाइनली कबूतर जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, अब मैं जाता हूँ केज के अंदर और जाके जाके जो है मैं देखता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ कि हमारे कबूतर के बच्चे जो हैं वो कितने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तकरीबन मेरे ख्याल में तो माशाल्लाह बड़े बड़े हो चुके होंगे। ये ताज वाली कबूतर ने और इसकी बच्चे फाइन ने जो है इनको दाना दे दिया, देखें कैसे लड़ने झगड़ने लग गए फौरन खाने के लिए। चल अभी इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, ये देखें हमारे कबूतर के बच्चे माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए हैं। ये अब देखते हैं कलर कौन सा बनेगा इनका, क्योंकि मादा जो है वो वाइट है और उसके अलावा नर जो है वो ग्रे, डार्क ग्रे है और वाइट है, और पांवों पे दोनों के बाल हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह इनके कैसे बच्चे बनते हैं। तो इंतज़ार है हमें और यहाँ देखते हैं, ये अंडों पे बैठी हुई है और किसी ने अंडे नहीं दिए, नहीं अभी तक नहीं दिए, सब फारिग चल रहे हैं अभी तक। तो माशाल्लाह इस जोड़े ने जो है अंडे दे दिए हैं और वाइट वाले ने दोबारा से अंडे दे दिए हैं, उसके अलावा ग्रे वाले और वाइट वाले के बच्चे माशाल्लाह से बड़े बड़े हो गए, तकरीबन पर आ चुके हैं उनके ना। तो अब जो है देखते हैं कब तक बड़े होंगे और कैसा कलर बनता है, फिलहाल मुझे तो वाइट दिख रहा है उनका कलर, बाकी देखते हैं कि जब वो थोड़े बड़े होंगे तो फिर असल मायनों में उनका कलर पता चलेगा। बाकी यार दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल से आए मैं एक मरतबा भी चेक नहीं किया, पानी उनको दाल दी है बस, ये देखो ये सिर्फ भिगो के जो है ना इनको हम लोगों को दाल देनी होती है, ये दो दाल होती है ना, एक मूंग की दाल होती है और एक बगैर जो है वो भी मूंग की दाल होती है लेकिन छिड़के वाली होती है, क्रीम वाली,
ये दाल देनी होती है और मूंग की दाल देनी होती है, ये इनकी फेड है काले चीतर की। इनको भिगो तो रख दो, फिर थोड़ी देर बाद इनको ये दे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि काले चीतर की क्या सूरत हाल है। आ जाओ, खोलते हैं इसको, देखते हैं हमारे काले चीतर कैसे हैं। माशाल्लाह वो देखें, काले चीतर हमारे माशाल्लाह से वैसे तो सेट हैं ये, लेकिन थोड़ी बहुत इन्होंने गंदगी कर दी है, तो ये निकाल लेता हूँ। ये इतनी तेज से भाग रहा था कि हमारे जो है टर्की बर्ड भी चीखने लग गया था। तो ये देखो, इतना डरते क्यों, क्या हो गया, इतनी डरने वाली क्या बात है। तो प्यारे जी को वो आप इतने सारे बाल गिरा दिए आपने। माशाल्लाह से खूबसूरती है इसकी, बहुत खूबसूरत करी जाएगी। ये बड़ा पसंद है मुझे भी, मेरे बहुत पसंद है, मेरे वालिद साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखो खूबसूरती है माशाल्लाह इसकी बहुत। तो चलो, मैंने अपने दोस्तों को दिखाना था, दोस्तों को मैंने दिखा दिया है कि ये देखें ये होता है काला तीतर, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है, पट्टा है अभी, अभी बड़ा होगा और बड़ा, अभी इंशाल्लाह जब ये बड़ा होगा तो और इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी इसकी हाइट इंशाल्लाह ताला। चलो अब इसको दोबारा बंद करते हैं हम लोग। डरपोक बहुत होता है यार ये, बहुत डरपोक होता है, डरता बहुत है, डरता इतना है कि बस हर चीज़ से डर के उड़ता है फौरन। हालांकि उड़ने वाला परिंदा है नहीं है, लेकिन डरता बहुत है, है। बस इसको अंधेरे में ही रखो ताकि ये बिल्कुल सेट रहे। चलो अब जाता हूँ मैं नहाकर, अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ क्या हुआ, जल्दी आ जरा, देख किधर आ जल्दी, टर्की बढ़ के मेरे को पता नहीं मेरे को क्या हो गया, जल्दी आ। अल्लाह रहम करे, क्या हो गया, जाके देख जल्दी से क्या हुआ। उसके गले में कुछ फंस गया है, देख क्या क्या फंसा है, कहाँ है वो, आ रही है, क्या हुआ उसको, अबे ये कहाँ फंसा रही इसने अपनी गर्दन, कैसे फंसा ये, है पता नहीं कैसे फंसा ली है। तो तूने कब देखा ये, अबे मैं अभी ऊपर आया हूँ, जब देखा तो ये पागल हुई है इसे। उनको भी तो ख्वाहिश है ना इधर उधर भागने की, पकड़ 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 इसको, ये देख इसकी गर्दन में जो है ये बोतल फंस गई है यार। रुक मैं इसको निकालता हूँ, रुक मैं इसको निकालता हूँ, पकड़ जरा इसको, मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है पकड़ता हूँ। क्या हो गया, कहाँ फंसा लिया, अबे मैं ऊपर आया हूँ बस एकदम से। अच्छा फंसा लिया इसने, मैंने देखा जब भी मैंने तुझे आवाज़ लगाई है फौरन, नहीं उतर रहा, नहीं मुँह फंस रहा है, ये मुँह फंस रहा है, वो क्लास से करता है, क्लास से करता है क्लास, ये रहा गर्दन में। हाँ ये देख के देख के देख के देख के बाहर निकल गया, निकल गया, निकल गया। घुसते क्यों, ऐसे काम करते क्यों, ऐसे काम करते ही क्यों कि फंसना पड़े। देखो क्या इसके अंदर फंसा दिया आपने आपको पागल, वो देखो डर के मारे देखो मोशन भी लग गया बेचारी के। अब तो सेट है ना,
अब तो अमन है ना। हाँ शुक्र है अल्लाह का, डरा दिया इसने। हाँ वो भी डर गया ना, बिल्कुल वो भी डर गया है कि हुआ क्या है आखिर। इसकी बीवी है भाई, है पेयर तो ये सही बना हुआ। हाँ माशाल्लाह से ये बिल्कुल सेट बना हुआ है पेयर, बस वही ये डरपोक हमारी, ये डरपोक है। हाँ हमारा मोर जो है ना वो मोरनी के साथ साथ नहीं है, मोरनी बिल्कुल अलग अलग घूम रही है और मोर जो है वो अलग अलग घूम रहा है। आखिर पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे आखिर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये एक दूसरे के साथ। हाँ चलो ये बंद कर दो आप इसको, इसको बंद कर दो। चलो 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 अंदर जाओ, 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 अंदर जाओ। हाँ शुक्र है फाइनली दोस्तों, शुक्र है हमारी टर्की जो है फीमेल जो है वो शुक्र है बच गई, क्योंकि उसके मुंह में जो है गर्दन जो है पूरी वो बोतल से जो होता है ना पानी पिलाने वाला जो केन होता है वो उसमें फंस गई थी। शुक्र है फाइनली अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। तो जाते तो हाँ हम लोग चले जाते काम पे, अपने ऑफिस चले जाते तो फिर हम लोग को परेशानी हो जाती बाद में वहाँ पता चलता। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। चलो अपने दड़बे में, चलो 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 अंदर जाओ सुकून से। देखिए कितने सारे टुकड़े पड़े हुए हैं यार, सारे पता नहीं कर क्या रही थी ये, मेरे तो समझ में नहीं आया। लेकिन या फिर इतवार वाले दिन जो है ना अपन लोगों को ये यहाँ पे डेकोरेशन का काम करवाना है यार लाजमी, ठीक है। इतवार वाले दिन चलेंगे, हाँ जाके माली से बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। चलो